आज हम बात करने वाले हैं जूतों पे। तो ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये तकरीबन 12 साल पुरानी है, ये वाली 4 साल पुरानी, ये वाली 3 साल, और ये तो कल की तस्वीर है। और इन सब तस्वीरों में एक चीज सेम है, जी हाँ, स्नीकर्स। आपका भाई पिछले 12 साल से स्नीकर का डाई हार्ड फैन है। लोग अपने जूतों को कपड़ों से मैच करते थे और मैं अपने कपड़ों को जूतों से मैच करता हूँ। मैं पर्सनली लोगों को उनके जूतों से जज करता हूँ। उसकी वजह कुछ ऐसी है कि जो बंदा साफ और केयरिंग होगा वो अपने जूतों का भी ख्याल रखेगा, चाहे वो एक पैर हो या 100। अच्छा, तो खैर आप लोग भी सोच रहे हैं जूता जूता कर रहे हैं, जूते की कोई इंपॉर्टेंस पता है। तो फर्ज करें आप 6 महीने के, ठीक है, आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कोई 6 महीने का अभी नहीं होगा जो वीडियो देख रहा होगा, अगर आप 6 महीने के फर्ज करें आपने नया नया चलना सीखा, तो आपके माँ बाप आपके लिए सबसे पहली चीज क्या लेंगे? Exactly. आपको 4 लोगों, ये तो 8 हो गए, अगर आपको 4 लोगों में अलग दिखना है तो अपने स्नीकर गेम को ऊपर बढ़ाओ। मेरे और मेरे स्नीकर के रिश्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आई, और वो रुकावट है कायदेआजम, गांधी और जॉर्ज वॉशिंग मशीन, यानी पैसा। आजकल के दौर में नॉर्मल जूतों की जगह स्नीकर्स लेने की मिसाल ऐसी है जैसे 20 रुपए की मकाई की जगह आप 220 रुपए का कॉर्न ऑन द कॉब खा रहे हो। तो आखिर में सवाल ये उठता है, पैसे नहीं है तो स्नीकर्स नहीं खरीद सकते, हम अपने स्नीकर्स के ख्वाब पूरा नहीं कर सकते, हमें कोई स्नीकर्स नसीब नहीं होंगे। उसका भी हल है मेरे पास, या तो अमीर रिश्तेदारों से सुलह करके रखो या फिर कॉम्प्रोमाइज करके सेकंड हैंड जूते ले लिया करो। चलो खैर बकबक बहुत होगी, अब आते हैं जरा मेन मुद्दे की बात पे। मेरे पास टोटल 3 pairs ऑफ स्नीकर्स हैं। जूते बहुत हैं, स्नीकर्स उनमें 3 हैं जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्ट सी मिले हैं सब। तो ये मेरे पास सबसे पहले आ जाते हैं प्लेन व्हाइट स्नीकर्स, जिनका नाम जरा अनयूजुअल है, ये गूगल पे खुद ही चेक कर लेना इसका क्या मतलब बनता है। फिर आते हैं हमारे पास ये, जिनका मैंने बेड़ा गर्क कर दिया है, यीजीज 350, ठीक है, बूस्ट। फिर आते हैं हमारे पास ये जॉर्डन 1s। वैसे तो मैं जूते साफ रखने की बात करता हूँ, मगर ये जरा भी गंदे हुए हैं, इनको जरा एक वॉश देना है। तो ये जो है इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये अमरीके के झंडे पे बेस्ड है, ब्लू व्हाइट और रेड, तो हम अमरीके को, बाकी आप समझदार हैं। बाकी सब्सक्राइब।